राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की एक बड़ी पहल सामने आई है, जिसमें अब घुमंतू परिवारों को स्थायी पता मिलेगा और निशुल्क पट्टे वितरित किए जाएंगे। हमारे साथ खुद मंत्री जी हैं, मंत्री जी से बात करेंगे। मंत्री जी, आप बड़ी पहल करने जा रहे हैं जिसके तहत अब घुमंतू परिवारों को निःशुल्क पट्टा देंगे। 2 अक्टूबर तक का समय दिया है, कितने लोगों को अभी तक चयनित कर लिया गया है, देखा गया, क्या सामने आ रहा है आपके सामने? हमारे प्रदेश में लगभग 32 जातियाँ हैं जो घुमंतू की श्रेणी में आती है। ऐसे लोग जिनके पास अपना आवास का भूखंड नहीं है, ऐसे सब लोगों को हम भूखंड उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो अपना आशियाना मकान बना सके। क्या क्राइटेरिया रखा है आपने घुमंतू प्रजातियों का कि किन किन को रखेंगे, कितनी जातियाँ हैं, ऐसा कुछ? 32 जातियाँ हैं इसमें, जो एससी में भी आती है, एसटी में भी आती है, ओबीसी में भी आती है। और उन जातियाँ जो 32 जातियाँ हैं उनको चयन करके, हम चयन का मतलब पहचान करके उन सबको देंगे। 34,000 परिवारों की हमने अभी तक पहचान कर ली है जिनके पास अपना भूखंड नहीं है। जगह भी चिन्हित कर ली गई है, कहाँ पर दिया जाएगा? जगह चिन्हित करने पर हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर लेंगे। विपक्ष के आज एक बड़े नेता टीकाराम जुली ने कहा है कि उनको सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए, आपको लेकर ये कहा? मेरे को लेकर कहा है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हर विद्वान आदमी को सब विद्वान लगते हैं, हर चोर को सब चोर लगते हैं और हर असामाजिक तत्वों को सब असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं। अच्छा, बड़ा सवाल उन्होंने ये भी किया है कि 9 महीने में शिक्षा में क्या किया है मदन दिलावर जी ने, वो बताएं हमें। हाँ, उनकी तरह हम नहीं कर पाए हैं, उन्होंने तो पेपर आउट करवाए थे और पेपर आउट करवा करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, वो तो हम नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार किया था, लूटा लोगों को, चोरों को गले लगाया, बलात्कारी और आतंकवादी एक तरह से उनके भाई बन गए थे, वो तो हम नहीं कर सकते। क्या बड़ा किया जिसे आप कह रहे थे कि मगरमच्छ आगे कौन कौन पकड़ में आने वाले हैं? क्या जांच चल रही है और जो चोर होंगे वो सब पकड़ में आएंगे। आपने ये भी कहा है कि इसको रोहिंग्या वगैरह को अलग कैसे करेंगे, हिंदू जो हिंदुस्तान में रहता है वो सभी हिंदू? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो बोल चाल की भाषा में जिसको हिंदू कहा जाता है, वो ये सब घुमंतू जाति के लोग हिंदू हैं और वैसे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी ही हिंदू हैं। सभी मतलब हिंदुस्तान की धरती में निवास करने वाले लोग सब हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म से हो, किसी भी जाति के हो, उपासना पद्धति का हो। हमारे यहाँ हिंदुओं में तो चोटी रखने वाला भी हिंदू है, चोटी नहीं रखने वाला भी हिंदू है, मूर्ति पूजा करने वाला भी हिंदू है, मूर्ति पूजा नहीं करने वाला भी हिंदू है। आपके ऊपर इतना प्रहार क्यों विपक्ष का? कभी कमजोर पर प्रहार नहीं हुआ, ताकतवर मंत्री पर होता है। नहीं, मंत्री तो सारे ताकतवर है हमारे, हम ताकतवर मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमारे सभी माननीय मंत्री महोदय ताकतवर हैं। ये थे हमारे साथ शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जिनकी बड़ी पहल से अब घुमंतू परिवारों को भी एक स्थायी पता और स्थायी जगह निशुल्क मिलने वाली है। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।